फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक ऐसी सब्ज़ी जो कि लेडीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और इसके बहुत ही फ़ायदे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सिंबल की सब्ज़ी, जो कि हर जगह पर इजीली अवेलेबल नहीं होती, लेकिन यूपी, उत्तराखंड इन दो जगह पर यह सब्ज़ी बहुत ही पाई जाती है और बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल माही खाना खजाना में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास झट से पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर हाफ के जी सिंबल लिए हैं, अब हम इनको बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है, कढ़ाई में 2 कप पानी ऐड कर दिया है। अब हम अपने सिंबल को इस कढ़ाई में ऐड कर देंगे और एक लिड लगाकर इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। फ्रेंड्स, हमें सिंबल को जल्दी ही निकाल लेना है क्योंकि सिंबल बहुत ही जल्दी पक जाता है। फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट हो गए हैं, पैन की लिड को हटा के देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे सिंबल का कलर भी चेंज हो गया है और ये अच्छे से पक भी गए हैं। अब हम एक स्ट्रेनर से इसको, एक चाकू से इसको कट करके देखेंगे। अगर ये अच्छे से कट रहा है तो इसका मतलब है ये अच्छे से पक गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे और अपने सिंबल को स्ट्रेनर की मदद से छान के एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने स्ट्रेनर की मदद से सिंबल को निकाल के छान कर एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं, इसकी एक यूनिक सी स्पेशल सी सब्ज़ी बनाते हैं। तो सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे और उसको अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है, आप किसी भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाए हम उसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे और 2 पिंच के लगभग हींग ऐड करेंगे और जीरा और हींग को अच्छे से सोटी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जीरा और हींग अच्छे से सोटी हो गए हैं। अब हम इसमें एक बारीक चॉप की हुई प्याज को ऐड करेंगे और प्याज को अच्छे से सॉटी होने देंगे। फ्रेंड्स, प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा पिंक करना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए प्याज धीरे सॉटी होती जा रही है। इस स्टेज में हम 3 से 4 लहसुन की कलियों को कट करके इसमें ऐड करेंगे और उसको भी हम प्याज के साथ अच्छे से सॉटी करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए प्याज और लहसुन अच्छे से सॉटी हो रहा है। फ्रेंड्स, एक बार ये सब्ज़ी बना के देखिए, आपके शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारे प्याज लहसुन अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें 2 टमाटर को कट करके ऐड करते हैं और इसको भी हम अच्छे से सॉटी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, टमाटर को धीरे धीरे चलाते रहेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा टमाटर धीरे धीरे सॉटी हो रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसको फिर से मिलाएँगे। फ्रेंड्स, नमक ऐड करने से क्या होगा, नमक ऐड करने से हमारा टमाटर बहुत ही जल्दी सॉटी हो जाएगा। अब हम इस पर एक लिड से कवर कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे, गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गए हैं, गैस की लिड को हटा के देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा टमाटर अच्छे से सॉटी हो गया है। अब हम इस स्टेज में इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टेबल स्पून ही धनिया पाउडर, और इनको अच्छे से टमाटर के साथ मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए हमारा टमाटर अच्छे से सॉटी हो गया है। अब हम इसमें 2 से 3 आलू को चॉप करके ऐड करेंगे। आलू को हमें बिल्कुल बारीक चॉप नहीं करना है, हल्का सा मोटा मोटा चॉप करना है। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए हमारे आलू भी अच्छे से सॉटी हो गए हैं, धीरे धीरे इनको पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे आलू, टमाटर, सारे मसाले अच्छे से सॉटी हो गए हैं। अब हम इस स्टेज में अपने सिंबल को ऐड करेंगे जो कि हमने पहले से बॉईल करके रखे हैं। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए हमने अपने सिंबल को ऐड कर दिया है। वापस से सारे मसालों के साथ सिंबल को अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारे सिंबल 80% तक कुक हो चुके हैं। अब हम फ्रेंड्स इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रहे हमने टमाटर सोटी करते टाइम भी नमक को ऐड किया है, तो अब हमें नमक की मात्रा को कम ही रखना है और इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, सिंबल रसीले नहीं बनते हैं, जब हम टमाटर के साथ सिंबल को बनाते हैं तो थोड़ा सा सूखा ही बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे सिंबल अच्छे से पक गए हैं। अब हम वापस से लिड को कवर कर देंगे
और इनको पकने देंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लिड को हटाएंगे और अपने सिंबल को चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स ये लीजिए हमारे सिंबल बनके तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे ताकि ये देखने में भी बहुत ही लाजवाब लगे, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स ये लीजिए हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो फ्रेंड्स हमारी सिंबल की सब्ज़ी बनके तैयार है। फ्रेंड्स सिंबल की सब्ज़ी दो तरह से बनाई जाती है, आप इसको टमाटर डाल के भी बना सकते हैं और आप इसको छाछ डाल के भी बना सकते हैं। छाछ डाल के बनाते हैं तो ये हल्की सी ग्रेवी वाली होती है। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं, एक प्लेट लेते हैं और अपनी सिंबल की सब्ज़ी को सर्व करते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और आपके शरीर के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा।